हेलो एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ लेकर। देखते हैं इस हफ्ते में ऐसा क्या होने वाला है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा, जो आपने सोचा नहीं होगा। और यहाँ पर हमेशा की तरह ये सारे खूबसूरत से डेक्स मैं आपके लिए यूज़ करूँगी। तो मैंने ड्रीम चैनलिंग मेरी होगी और इसके अलावा जो एंजल्स ने आपके लिए ड्रीम गाइडेंस दी है, किस तरह के स्वप्न आपको इस हफ्ते में आ सकते हैं या रिसेंटली आए होंगे। देन एंजल की तरफ से, जिससे काफ़ी लोग घबरा जाते हैं बट बहुत ज़रूरी है, सो क्या वार्निंग है, किस तरफ से, किस दिशा से रिलेटेड वार्निंग होगी। मेजर अरकाना से हम देखते हैं ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे इंडिया के अंदर क्या हो सकता है कलेक्टिवली, और टैरो से हम देखेंगे आपकी पर्सनल लाइफ में क्या अच्छा बुरा हो सकता है, आपको क्या चीज़ों का ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसा कि बात करें लास्ट प्रेडिक्शन की, तो मैंने कहा था कि सबसे पहले मैंने आपसे एक सपना शेयर किया था अपनी चैनलिंग में। आप लास्ट संडे की अनएक्सपेक्टेड अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। मैंने उसमें ड्रीम चैनलिंग में ये बताया था कि मुझे प्लेन क्रैश के सपने आए थे। और जैसा कि मैं बताती हूँ कि जब भी आप मेडिटेशन करते हैं, साधना करते हैं, तो आपको डिवाइन चैनलिंग दे देते हैं, कुछ ना कुछ एक फ्यूचर की इंडिकेशन आपको मिलती है। तो मैंने जब प्लेन क्रैश का चैनलिंग किया था तो मैंने ये नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। मैंने सिर्फ आपको चैनलिंग की थी और उसके नेक्स्ट डे ही मुझे काफ़ी लोगों ने लिंक भेजे जो मेरे USA के क्लाइंट्स हैं और कहाँ कहाँ से फॉरेन कंट्रीज़ के काफ़ी लोगों ने मुझे भेजा कि मैम हमारे देश में प्लेन क्रैश हुआ है, दो विमान आपस में टकरा गए हैं, जबकि ऐसा कभी होता नहीं है, कभी नहीं होता, और आप भी कभी शेयर नहीं करते हो ऐसी चैनलिंग, बट इस हफ्ते में ऐसा हुआ। तो ये आपकी पहली अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ थी। इसके अलावा मैंने कहा था जंगल से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड इस तरह का कोई ख़बर आपको सुनाई दे सकता है। तो बाराबंकी में स्कूल के बच्चे किसी ज़ू में गए थे और मेरे ही लखनऊ साइड के क्लाइंट्स ने मुझे लिंक भेजे कि बहुत सारे बच्चों की डेथ हो गई क्योंकि बस वहाँ से आ रही थी और बस पलट गई या समथिंग ऐसा कुछ हुआ और बहुत सारे बच्चों की डेथ हो गई, बहुत सारे बच्चे घायल हो गए। तो ये बहुत ख़तरनाक न्यूज़ थी। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस लिंक को खोलूं और वो सीन देखूं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती हूँ एनर्जी और ये सारे न्यूज़ मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होते, तो मैं नहीं देख पाई, ओपन भी नहीं किया मैंने लिंक को क्योंकि मेरी हिम्मत ही हार जाती। बच्चों के मामले में तो और ज़्यादा मैं कमज़ोर हूँ, बहुत कमज़ोर हूँ। इसके बाद मैंने कहा था मून का एनर्जी था, मैंने कहा था मदर से रिलेटेड, मदर की हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, और साथ ही साथ पानी से रिलेटेड कोई ख़बर आएगी। और उसी दिन रात को मुझे बहुत सारे मैसेजेस आने लगे। जब मैं मंडे को सुबह उठी तो मेरे व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस थे कि मैम गुवाहाटी में ऐसा हो गया, फिर मंडे को भी असम के लोग और जलपाईगुड़ी के मेरे जो कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट्स बोल रही हूँ, क्लाइंट्स हैं, मैं HR रही हूँ इसलिए कैंडिडेट ही निकलता है अभी तक, मेरी HR वाली एनर्जी अभी मेरे अंदर से निकली नहीं है पूरी तरीके से। तो ये पानी वाला सीन था। इसके अलावा मैंने कहा था ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन से रिलेटेड खबर आएगी, तो ईस्ट एशिया में आता है ताइवान और इसके अलावा ईस्टर्न यूरोप में आता है रशिया। रशिया में 2000 लोग फंसे हुए हैं, बाढ़ आ गई है, सडनली डैम बर्स्ट कर गया है, जो कि एक बहुत बड़ी खबर है पानी से रिलेटेड। और ताइवान का हाल आपने देखा ही, मैंने ऑलरेडी देखी है, आज से महीने भर पहले ही मैंने कहा था शिव रुष्ट हैं और जब रुद्र रुष्ट होते हैं तो आपको वर्ल्ड लेवल पे विद इन इंडिया कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन दिखता रहेगा लगातार। तो ये जो जितने भी भूकंप आ रहे हैं, और खाली फॉरेन में नहीं आ रहे, हमारे हिमाचल में भूकंप आए, जम्मू कश्मीर में भूकंप आया, राजस्थान में भूकंप आया, ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ख़तरनाक हैं। और इसके अलावा मैंने कहा था पब्लिक इमेज से रिलेटेड कोई खबर आएगी, तो आपने देखा एक पॉलिटिशियन है जो कि रिलीज़ हुए हैं रिसेंटली, पूरे हफ्ते उन्हीं की खबर चली है पूरे न्यूज़ चैनलों पे, संजय सिंह जी की, तो ये पब्लिक इमेज से रिलेटेड। इसके अलावा काफ़ी डेथ न्यूज़ भी है बट मैं वो यहाँ शेयर नहीं करना चाहती। इसके अलावा मैंने कहा था लाइटनिंग से रिलेटेड खबर आएगी, तो ईस्ट में आपने देखा ही वेस्ट बंगाल पूरा न्यूज़ में छाया रहा। सोल लॉस की खबर मैंने कहा था, तो बच्चों का जो हुआ वो भी सोल लॉस है, इसके अलावा ताइवान में जो हुआ वो भी सोल लॉस है, और अभी जो यूरोप में हो रहा है, रशिया में हो रहा है, इतने लोग फंसे हैं बाढ़ में, वो भी एक तरह से बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है। इसके अलावा और कुछ कहा था मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा है, जितना मुझे याद आया मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सो शुरू करते हैं इस हफ्ते की
अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, और देखते हैं इस हफ्ते में क्या भगवान चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं आप लोगों को। एक गुड न्यूज़ भी मैंने पिछले हफ्ते में शेयर की थी कि बहुत सारे यूनियंस होंगे, और मुझे ये भी बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि यूनियंस बहुत हुए हैं। कमेंट सेक्शन में मैंने रेगुलरली पिन किए हैं कमेंट्स, कई लोगों को तो मैरिज की कमिटमेंट मिली है, तो सभी लोगों को बधाई हो जिनका भी यूनियन हो गया है इस हफ्ते में अनएक्सपेक्टेड देखने के बाद। हो सके तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं कमेंट्स पढ़ूंगी आपके। शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक, एक ही बार शफल करूंगी, जिससे आना है आ जाए, इन्हें आना है। एक कार्ड ये है और बॉटम ऑफ द डेक मैं नहीं देख रही, साथ में ही देखेंगे, तो जो मुँह छुपाए हुए हैं वो छुपाए रहें, ठीक है। पहला जो मैसेज है, आर्मी से रिलेटेड कोई ख़बर आएगी इस हफ्ते में, आर्मी पुलिस इस तरह की खबर, साथ ही साथ आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। कुछ लोग मनौती मांग सकते हैं, कोई विश मांग सकते हैं, या रिसेंटली मांगा था जो कि पूरी हो जाएगी, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की एनर्जी है। 9 नंबर से रीडिंग की शुरुआत हुई है और हमारा नवरात्रि आने वाला है, तो आज मैं ये रीडिंग कर रही हूँ और परसों से नवरात्रि लगेगी। अपना ध्यान रखिए, अगर आप फास्ट रहते हैं तो, मैं तो 9 दिन फास्ट रहती हूँ, तो डेफिनेटली मेरा काम ही बोलने का है, लेकिन जितना मैं फास्ट रहती हूँ उतनी ही ज़्यादा एनर्जी माता देती हैं, तो नौ दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहे, प्लस राम जी की कृपा आप पर बनी रहे, रामनवमी आने वाला है। यहाँ पर 9 नंबर से रीडिंग शुरू हुई है, यही एक ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए, नवरात्रि आप लोगों के लिए शुभ हो। देन वी हैव द वर्ल्ड एनर्जी, यहाँ पर जो एनर्जी है मैं आपको बता दूँ कि ट्रैवल से रिलेटेड कुछ इंसिडेंट्स इस हफ्ते में होंगे, तो आपको ट्रैवल के दौरान बहुत ध्यान देना है। मैंने अपनी ग्रहण की वीडियो बनाई हुई है एस्ट्रो विद एम सिंह पे, उसमें मैंने कुछ राशि वालों को ये बोला है, वॉर्न किया है कि हो सके तो ग्रहण के आसपास ट्रैवल मत कीजिए, ड्राइव खुद से मत कीजिए, भीड़ भाड़ वाली जगह पर ज़्यादा मत जाइए। थोड़ा मैंने वार्निंग दी है राशि के अकॉर्डिंग, बट कोशिश कीजिएगा कि अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ में अगर आपकी एनर्जी में ट्रैवल का कार्ड आ गया है तो आपको ट्रैवल के दौरान थोड़ा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, हार्श ड्राइविंग मत कीजिएगा, बैलेंस में रहिएगा, ठीक है। साथ ही साथ कोई अल्कोहल या किसी तरह का अगर आप कुछ लेते होते हैं तो प्लीज़ ड्राइव मत कीजिएगा, जो होश में हो वही ड्राइव करें। इसके अलावा वर्ल्ड लेवल पे कोई बड़ी खबर आपको सुनने मिलेगी इस हफ्ते में, अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, कहीं विदेश जाना चाहते हैं, इंटरव्यू है, एग्ज़ाम है, आप क्लियर कर लोगे, ऐसी वाइब्स है क्योंकि अच्छे कार्ड के साथ एनर्जी आई है। काफ़ी लोगों को नौकरी मिलने वाली है इस हफ्ते में, नौकरी अगर आप ट्राई कर रहे हैं, अगर आप कहीं बिजनेस शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम दिया है, वेट कर रहे हैं, काफ़ी लोगों को स्टेबिलिटी मिलते हुए नज़र आ रही है, वाइब्स बहुत पॉजिटिव हैं, तो आप हो सकता है, आप कुछ लोगों का ट्रांसफ़र भी हो सकता है इस हफ्ते में, हो सकता है कि आप कहीं और नौकरी कर रहे हैं और आपको कहीं अच्छी ऑप्शन मिले कहीं दूर, तो ये भी वाइब्स है। कुछ लोगों को कमिटमेंट मिलेगी इस हफ्ते में, लव लाइफ में कमिटमेंट मिलेगी, मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, अगर मैरिड लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, तो चीज़ें अचानक से रिजॉल्व होंगी, ब्लेसिंग्स होगी, माता दुर्गा के दर्शन ज़रूर करें, या जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, उनके दर्शन ज़रूर करें। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए आने वाला हफ्ता बहुत बहुत ज़्यादा टेंशन वाला है, कोई ना कोई टेंशन आपको घेरे रहेगी, स्लीपलेस नाइट आपकी हो सकती है, परेशानी से घिरे हो सकते हैं, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बैलेंस में रहिए। नींद ना आने की समस्या हो सकती है कि आपको रात को नींद ना आए, 2 बज जाए, 3 बज जाए और आपको ऐसा लगे यार मुझे तो नींद ही नहीं आ रही, आप पलटी खाते रहे इधर उधर, तो ऐसे में अगर आपको नींद ना आए बुक खोल लीजिए, जैसे आप बुक खोलेंगे आपको गजब की नींद आएगी, या फिर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कीजिए, जैसे आप हनुमान चालीसा पढ़ोगे ना आपको इतनी तेज़ नींद आएगी, इतनी तेज़ नींद आएगी कि आप 5 मिनट के अंदर सो जाओगे। तो मेरे भाई बहुत अच्छा नींद दिलाते हैं, मैं तो हमेशा चालीसा पढ़ के सोती हूँ, तो जब भी मैं चालीसा पढ़ के सोती हूँ मुझे इतनी तेज़ तेज़ जमाई आने लगती है, मुझे पता चल जाता है भाई अब कह रहे भाई सो जा, मेरे को रात को डिस्टर्ब मत कर। सो अगेन वी हैव द मून एनर्जी, पानी से रिलेटेड हमारे भारत में भी कोई खबर आएगी गाइस, वर्ल्ड लेवल की बात तो छोड़ दीजिए, हमारे भारत में भी आएगी। अपने आपकी बुआ, मौसी, माता या बहन, इनकी तबीयत का ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर सफरिंग के बाद मून है, इसका मतलब कि उनको किसी प्रकार का कष्ट,
ज़रूरी नहीं तबीयत ही ख़राब हो, यहाँ पर किसी प्रकार का कष्ट, जैसे वो आपसे रोएं, आपसे कुछ कंप्लेन करें, उनको कोई टॉर्चर हो रहा है उनके साथ, कोई कष्ट में है, इस तरह की वाइब्स है, तो डेफिनेटली जो भी कष्ट में है उनका सपोर्ट करना। देन वी हैव, इस हफ्ते में थोड़ा कंजूसी में रहें तो ज़्यादा बेटर है, चाहे जितना भी पैसा हो आपके जेब में, कंजूसी में रहें, आने वाला समय बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ पर एक मैसेज मुझे पिक हो रहा है, हमेशा मैं ये कार्ड में आपको बोलती आई हूँ, आपने नोटिस किया होगा, मैंने हमेशा बोला है कि इस हफ्ते में खर्च हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड कोई सामान ख़राब हो सकता है, बट इस हफ्ते में मुझे ये मैसेज नहीं पिक हो रहा, मुझे ये मैसेज पिक हो रहा कि पैसे बचाओ, आने वाला समय बहुत ख़तरनाक है। ठीक है, सेव करो, कोशिश करो कि पैसे ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास रहें, कैश में, या कैश में तो खैर अब तो रख ही नहीं सकते हैं, एटलीस्ट आपके बैंक में रहें। ठीक है, सब कुछ इन्वेस्ट करके मत बैठ जाओ, थोड़ा अपने हाथ में भी रखो, ये मेरा मैसेज है आप लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए ये हफ्ता करियर में, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, आपको कंपनी की तरफ से निकाला जा सकता है, या फिर आपको ऐसी खबरें सुनाई देंगी कि छटाई हो रही है, निकाल रहे हैं स्टाफ को, कम करना चाहते हैं स्टाफ, इस तरह की खबरें आपको इस हफ्ते में सुनाई दे सकती हैं। और इसके अलावा एक मैसेज पिक हो रहा है, कुछ लोगों को अचानक से अपने पार्टनर से डिटैचमेंट हो सकती है, या तो आप उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करेंगे, या तो वो आपसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करेंगे, ये ग्रहण की एनर्जी भी हो सकती है, टेम्प्रोरी एनर्जी भी हो सकती है, तो आपको इसका बहुत ज़्यादा टेंशन मत लेना। कोई अगर आपसे दूरी बना रहा है तो उसको, उससे चार कदम और दूर हो जाओ, मेरा रूल अगर आप माने तो, अगर आपसे कोई एक कदम दूर हो उससे चार कदम दूर होइए, कोई दो कदम दूर हो उससे 10 कदम दूर होइए, और कोई आपके 2 कदम करीब आए तो उसके 10 कदम करीब आने की कोशिश कीजिए। ये रूल आप ज़िंदगी में अपना लीजिए, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी परफेक्ट रहेगी और आप भी लाइफ में चिंता मुक्त रहेंगे। ठीक है, ये मेरा पर्सनल रूल है, ठीक है, और ये रूल बहुत ज़बरदस्त है। चलिए मेजर अरकाना से देखते हैं, ओवर एंड ऑल भगवान क्या गाइड करना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जय हो शिव शक्ति। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ कलेक्टिवली डिस्ट्रक्शन, मैंने कहा ना पैसे बचा के रखो, पैसे बचाओ, थोड़ा राशन भी अपने पास रखना शुरू करो। हमेशा हमेशा याद रखिएगा, कम से कम इस ग्रहण के बाद से, ये जो कल ग्रहण लगने वाला है ना, इस ग्रहण के बाद से हमेशा घर में कुछ राशन रखिए, कम से कम 50 किलो चावल, 50 किलो गेहूं या आटा जो भी आप रखते हैं, और कुछ पल्सेस, तेल, बेसिक जो नेसेसिटी है जो आपको चाहिए, और लालटेन भी ख़रीद लो, मजाक नहीं कर रही हूँ, लालटेन भी ख़रीद के रखो घर में, क्योंकि बिजली का भी कोई भरोसा नहीं है। इस ग्रहण के बाद मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, हमेशा रहना चाहिए, जब हमारे पास इन्वर्टर नहीं हुआ करता था तो लालटेन ही हुआ करता था, और हमारे यहाँ तो लालटेन भी था, ढिबरी भी था। ढिबरी पता है आपको, कमेंट में बताइएगा ढिबरी क्या होता है। ठीक है, और बताएं एंजल्स, आ गए डिस्ट्रक्शन के साथ, आए हम पहले ही समझ गए कि आप आएंगे जरूर आज। हर हर महादेव, हाँ मेरी इच्छा पूरी करेंगे आप। यहाँ पर जो एनर्जी है डिस्ट्रक्शन की है, भगवान ईगो को ब्रेक करेंगे। ईगो को ब्रेक मतलब अगर किसी चीज़ का घमंड है किसी को, चकनाचूर हो जाएगा। साथ ही साथ ये हफ्ता मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा है। मैनिफेस्ट आप जो करेंगे ना, चुटकियों में आपकी लाइफ में आएगा। मैनिफेस्ट कीजिए। मैनिफेस्ट कैसे करना है, आप सिर्फ इमेजिन कीजिए, थर्ड आई चक्रा पे कंसंट्रेट कीजिए, जो इच्छा हो, ये नहीं कि 50 इच्छा ले लिया, मुझे 1 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, एक पर्टिकुलर इच्छा आप अपने थर्ड आई पे एक इंटेंशन सेट कीजिए एंड देन मैनिफेस्ट। कुछ लोगों को यहाँ दान पुण्य करने की गाइडेंस दी जा रही है। अगर आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, एक के बाद एक लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, या आपकी तबीयत ख़राब है, आप बेड पर से उठते हैं और थोड़े दिन बाद फिर बेड पर चले जाते हैं, अगर ऐसी सिचुएशन है, या आप जॉब का ट्राई कर रहे हैं, आपके आसपास आपसे कम पढ़े लिखे लोगों की जॉब लग जा रही है बट आपकी नहीं लग रही है,
या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके घर में ही किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी है, सिंपल काम है, किसी भी आसपास दुर्गा मंदिर, काल भैरव मंदिर या हनुमान मंदिर जाइए, या शिव मंदिर जो भी आपके आसपास है, भस्म लीजिए। हमारे यहाँ तो काल भैरव में भस्म मिलती है, भस्म लीजिए और भस्म लेकर अपने घर में लेकर आइए, चारों कोने में छिड़क दीजिए और अपने शरीर पर लगाइए, माथे पर लगाइए, डेली लगाइए। और उसके बाद ओम मंत्र का जाप कीजिए, आपकी लाइफ के जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो तो दूर हो ही जाएंगे, साथ ही साथ डोनेट कीजिए, थोड़ा बहुत दान पुण्य करिए ताकि आपके ब्लॉकेजेस दूर हो जाएं। किसी मंदिर से रिलेटेड भी कोई खबर इस हफ्ते में आ सकती है, या डिस्ट्रक्शन की खबर तो डेफिनेटली आने वाली है। मेरी चैनलिंग में भी मैं आपको कुछ बताऊंगी। अगेन वी हैव कोई एम्परर की एनर्जी, कोई अथॉरिटी फिगर से रिलेटेड कोई बड़ी खबर आ सकती है इस हफ्ते में। आपको जैसे होते ना कई बार सुसाइड केस, इस तरह की कोई न्यूज़ चलती है, इस तरह की कोई खबर भी आपको सुनने मिलेगी। कोई अटैक होने की भी वाइब्रेशंस हैं, जैसे छोटे मोटे झड़प, छोटे मोटे अटैक या कुछ बड़ा अटैक, बट यहाँ पर ऐसी एनर्जी है। कुछ नेगेटिव न्यूज़ आपको सुनने मिलेगी। अगर कोई प्रेग्नेंट है घर में, उसको आप ग्रहण से बहुत बचा कर रखिएगा। प्रेगनेंसी जो जिनकी भी है वो बहुत सतर्क रहें, नज़र लग सकती है, काफ़ी लोगों को नज़र लग सकती है इस हफ्ते में। कुछ लोगों के आसपास ऐसे माहौल भी बन सकता है कि कोई ड्रिंक कर रहा है, चिल्ला रहा है, और पुलिस उलिस का मैटर भी हो सकता है। आते हैं अपनी ड्रीम चैनलिंग में, जो कि आपका फेवरेट पार्ट है इस अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ का। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बता दूं इस हफ्ते में मेरी चैनलिंग क्या है। मुझे इस पूरे हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ आने वाले समय की इंडिकेशन दी गई है, जिसमें तूफान है, भयंकर तूफान है। ऐसा तूफान मैंने कभी लाइफ में सपने में नहीं देखा। मैसिव अर्थक्वेक है, बहुत ज़्यादा भयंकर। और मैंने जभी जभी अर्थक्वेक का वार्निंग दिया है, तभी तभी पूरे हफ्ते में आपने न्यूज़ देखी होगी। एस्ट्रो विद एम सिंह पे मैंने कहा था कि किसी रीडिंग के दौरान कि मुझे बहुत दिन से फोर्स किया जा रहा है कि बता दो, बट मैं नहीं बता रही थी। और 5 दिन तक मेरा गला ख़राब रहा, मुझे डिवाइन की तरफ से ऑर्डर था और मैं रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि लोग डर जाते हैं बहुत ज़्यादा कि अरे ये तो ऐसे ही बोलती रहती है। बट मैं जब बोली हूँ उसके बाद से आप नोटिस करिए, आपको पूरे न्यूज़ में खाली अर्थक्वेक ही समझ में आएगा। ठीक है, तो ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो 1% भी नहीं था, अभी तो असली तो पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं। देन डिस्ट्रक्शन है, मैसिव डिस्ट्रक्शन। इसके अलावा अग्निकांड बहुत ज़्यादा, आपने नोटिस किया छत्तीसगढ़ में पूरा अग्नि ही अग्नि न्यूज़ में छाया रहा। और मैंने हमेशा आपको एंजल गाइडेंस में वॉर्न किया है कि अग्नि से रिलेटेड खबर आएगी। नोएडा में इतनी आग, मुझे तो आग के इतने लिंक्स आते हैं कि मैम आपने कहा था ऐसा हो गया ऐसा। देखिए, मेरे कहने से कुछ नहीं होता है, कार्ड आपको जो बताते हैं ना, जिस दिशा में बताते हैं उस दिशा में वो चीज़ें घटित होंगी। अग्नि से रिलेटेड इस हफ्ते में बहुत खबरें आएंगी। पैरट काफ़ी लोगों को नज़र आ सकता है, और कोई मंदिर आपको नज़र आ सकता है सपने में, और ऐसा मंदिर नज़र आ सकता है जहाँ पत्ते से रिलेटेड कुछ हो, या पत्ते आपको नज़र आ सकते हैं। मुझे मिस्टिकल मंदिर नज़र आया जहाँ पत्ता तोता बन जाता है। अब ये कहाँ है, क्यों है, वो तो भगवान ही बताएंगे, बट काफ़ी लोगों को मंदिर के सपने आएंगे। मंदिर में आप कुछ कर रहे हैं, मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं, मंदिर का प्रसाद पा रहे हैं, मंदिर कुछ ना कुछ मंदिर से रिलेटेड हो सकता है। पंडित, पुजारी, साधु, प्रीस्ट, नन, फादर, इस तरह के ड्रीम्स आपको आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सूर्य देवता हैं, सूर्य देव के दर्शन आपको हो सकते हैं। रेनबो काफ़ी लोगों को नज़र आ सकता है ड्रीम में। इसके अलावा वुमेन से रिलेटेड या गर्ल से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं। रैट, चूहे से रिलेटेड, फल से रिलेटेड, बर्तन से रिलेटेड, फिश से रिलेटेड। इस हफ्ते में अगर आपको फिश का ड्रीम आ जाए, समझ लीजिए मीन राशि का जो ग्रहण लगने वाला है उससे आप लिंक कर सकते हैं इस एनर्जी को। अब वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये तो आपके ड्रीम पर डिपेंड करता है। इसके अलावा क्रेन से रिलेटेड ड्रीम आपको आ सकता है, सफ़ेद कलर का बर्ड होता है। नेवले से रिलेटेड ड्रीम आ सकता है, दूध से रिलेटेड ड्रीम आ सकता है, दूध का जो सपना है वो शुभ है। फ्लावर से रिलेटेड ड्रीम आ सकता है, फ्रूट से रिलेटेड, स्पेशली बेर, डव कपल आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ सकते हैं ड्रीम में। इसके अलावा आउल से रिलेटेड सपना आ सकता है, कोई गेम आप खेल रहे हैं, हार रहे हैं या जीत रहे हैं, इस तरह के सपने भी आपको आ सकते हैं।
बात करें एंजल मैसेज की, डिवाइन यूनियंस यहाँ होंगे, बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स जो न्यूली इस जर्नी में आए हैं उनके लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है, जो ऑलरेडी इस जर्नी में है मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन है असेंशन जर्नी में। रिवर एंड माउंटेन की खबर है, तो हमारे यहाँ माउंटेन जहाँ जहाँ हैं लोग थोड़ा सतर्क रहें। यहाँ पर दिशा रिवर और माउंटेन के अलावा अगर कोई दिशा यहाँ पर आई है तो वह है वेस्ट एंड ईस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट दिशा वाले सतर्क रहें। फॉरेस्ट बाथिंग एंड फॉरेस्ट टीयर, इसका मतलब फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई ना कोई खबर इस हफ्ते में होगी, विद इन इंडिया हो सकती है, आउटसाइड इंडिया हो सकती है, बट फॉरेस्ट टीयर्स की एनर्जी है, इसका मतलब फॉरेस्ट में कुछ ऐसा होगा जहाँ जानवरों का नुकसान होगा, पेड़ पौधों का नुकसान होगा। एंड वी हैव डार्कनेस, ये हफ्ता बहुत अच्छा नहीं है। रीडिंग की शुरुआत मेजर अरकाना में भी डिस्ट्रक्शन से हुई है, तो ये हफ्ता बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, बैलेंस में रहने की ज़रूरत है और मेडिटेशन ज़रूर करें। सो ये थी गाइज इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। होप आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ हेल्प एंड गाइडेंस ज़रूर मिलती होगी। जिसके सामने जिसके भाग्य में लिखी होगी उस तक ये रीडिंग अपने आप पहुंच जाएगी विदाउट एनी एफर्ट। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।